हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज चैनल। अगर आप सभी के पास है टेक्नो का फ़ोन और उसमें आप यूज़ करते हैं हायोस लॉन्चर 7.0, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके पास हायोस लॉन्चर 7.0 है, उनके कईयों को फ़ोन में ये समस्या आ रही है कि उनके फ़ोन में हाइड से ऐप ऑप्शन नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर नहीं है हाइड से ऐप, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस ऑप्शन को कैसे ला सकते हैं। पहले मैं आपको अपने हायोस लॉन्चर का वर्जन बता देता हूँ। मेरे हायोस लॉन्चर का वर्जन है 7.0.0.3.2, और मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप हाइड से ऐप ऑप्शन हायोस लॉन्चर 7.0 में कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए हायोस लॉन्चर पर, या फिर आपको सेटिंग में जाकर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ क्लिक करने वाले यहाँ संभालना पड़ेगा आपको हायोस लॉन्चर, और फिर यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल अपडेट करना पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, मेरा हायोस लॉन्चर का ओल्ड वर्जन है। अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर डेस्कटॉप सेटिंग पर, और यहाँ पर ऑप्शन होगी, यहाँ पर का है गेस्चर सेटिंग, स्लाइड अप टू टू फिंगर। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने पर ये ऑप्शन हेड सेप, और आपको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा आपको स्लाइड, और हेड सेप ऑप्शन ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको इन ऐप्स को डालना पड़ेगा हाइड्स पर, और फिर कर देना पड़ेगा आपको हायोस लॉन्चर को अपडेट। फिर जाना पड़ेगा आपको सेटिंग्स पर, सॉरी प्ले स्टोर्स पर, और यहाँ पर है हायोस लॉन्चर, सो कर देना पड़ेगा आपको अपडेट। मेरा हायोस लॉन्चर अपडेट हो रहा है। अब इंस्टॉल हो रहा है। ये हो चुका है अपडेट। अब करेंगे हम इसको ओपन। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं, जो ऐप्स मैंने हाइड किए थे वो यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, और इस पर एक नई सेटिंग आ चुकी है हाइड सेप। आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर गेस्चर सेटिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू सेटिंग ऐड हो चुकी है हाइड सेप। अब आप अपने ऐप को हाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अब मैं इनको कर दूँगा अनहाइड। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में हाइड्स ऐप ऑप्शन आ चुकी है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया, उसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।